कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों ने पकड़ी दिल्ली की राह। रोके जाने पर अंबाला पटियाला हाईवे पर प्रदर्शन ने तोड़ी पुलिस बैरिकेटिंग, नदी में फेंकी। अंबाला पटियाला हाईवे पर सुरक्षा कर्मियों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, दिल्ली आने से रोका। किसानों का बरपा हंगामा, पुलिस पर जबरदस्त पथराव। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैन का इस्तेमाल किया। अंबाला पटियाला हाईवे पर हंगामे के बीच रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा, पीछे हटने को तैयार नहीं किसान। कुरुक्षेत्र में किसानों को रोकने के लिए पानी की तेज बौछार डाली गई, लेकिन आगे निकल गए किसान। कुरुक्षेत्र में किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम, 1000 पुलिस वाले और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। हरियाणा पुलिस ने भटिंडा रोड पर की नाकेबंदी, पंजाब के किसी किसान को हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं। किसान संगठनों के साथ आया दल खालसा, दिल्ली कूच से पहले श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास। आंदोलन के लिए किसान संगठनों ने किया है जबरदस्त इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर कराया जा रहा है भोजन और जलपान। करनाल में किसान आंदोलन के जाम में फंसा दूल्हा, 6 घंटे तक फंसी रही बारात। किसानों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, कोरोना को देखते हुए नहीं दी गई राजधानी में आंदोलन की इजाजत, ड्रोन से रखी जा रही नजर। रास्ता रोके जाने पर दिल्ली कूच कर रहे किसानों का बड़ा ऐलान, बोले जहां रोका गया वहीं डालेंगे डेरा, धरने के साथ होगा आंदोलन। किसानों की रैली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो में आज अलर्ट, आज दोपहर 2 बजे तक कुछ स्टेशंस के बीच नहीं चलेगी मेट्रो। हरियाणा दिल्ली के रास्ते में सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती, पुलिस कर्मियों को दिया गया निर्देश। अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। करनाल में जुटे किसान दिल्ली कूच पर अड़े। पश्चिम बंगाल में आंदोलन का बड़ा असर, हावड़ा में लेफ्ट समर्थकों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर किया प्रदर्शन, लहराए लाल झंडे। हावड़ा में रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने डाला कटा पेड़, रोकी राह। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भी सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, हाथों में झंडे लेकर ट्रेन के आगे डटे प्रदर्शनकारी। कोलकाता में गरियाहाट और जादवपुर में सड़कों पर उतरे लेफ्ट समर्थक, किसानों के हक में बुलंद की आवाज, इनकलाब जिंदाबाद का लगाया नारा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, कहा उनकी आवाज सुनने की बजाय बीजेपी सरकार ठंड में पानी की बौछार मारती है। दुर्गापुर में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल से हुई झड़प, हाथापाई की आई नौबत। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय पर पलटवार, कहा राज्यपाल की रोकी गाड़ी तो उनके सीने पर चलेगी कार। टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा अगर अमित शाह के कहने पर राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में अपनाया धारा 356 का रास्ता तो कोलकाता में नहीं चला पाएंगे गाड़ी। धनबाद में तिलक समारोह में फायरिंग, जांच के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हुआ पथराव, 1 जवान घायल। अहमद पटेल के निधन से शोक में डूबा उनका गृह शहर भरूच, आज होंगे सुपुर्द खाक। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 5,246 नए मामले, 99 लोगों की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 5,45,000 के पार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोगों को दी जांच करवाने की सलाह। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले पिछले 3 हफ्तों में पॉजिटिविटी रेट घटकर 8.5% हुई। दिल्ली में स्कूल खोले जाने के सवाल पर सत्येंद्र जैन बोले जब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं होंगे तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 44,489 नए मामले, 92,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, 24 घंटे में 524 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6,159 नए मामले, 65 मौत, कुल आंकड़ा 17,95,000 के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोरोना के दौर में भी शादी समारोह के लिए परमिशन की जरूरत नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले सभी प्रोटोकॉल पालन करते हुए आयोजित हो शादी समारोह, तय 100 की संख्या में बैंड बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं।
शादी में बैंड या फिर डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों या फिर पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी, सीएम ने दिया निर्देश। किसानों के प्रदर्शन पर अरविंद केजरीवाल बोले, केंद्र के तीनों कृषि कानून किसान विरोधी, किसानों पर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल बिल्कुल गलत। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और उनके बेटे की बड़ी मुसीबत, छापामारी के बाद ईडी ने फिर थमाया समन। लालू यादव के ऑडियो विवाद को लेकर सुशील मोदी पर राबड़ी देवी ने साधा निशाना, बोली उनके पास अब कोई काम नहीं। सुशील मोदी के बयान को लेकर ट्विटर ने ब्लॉक किया उनका अकाउंट, गाइडलाइंस का दिया हवाला। असम के डिब्रूगढ़ में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की गाड़ी ट्रक से टकराई, हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। यादों में आज फिर ताजा हुआ, मुंबई पर हुआ 26/11 आतंकी हमले का जख्म, मुंबई में शहीदों और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। संविधान दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को याद कर रहे थे, भुवनेश्वर में उन्हें दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने जमकर मचाया उधम, दीवार तोड़ी कार को भी मारी टक्कर। गनीमत रही हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के हाथरस जंक्शन पर पुलिस ने 3 छात्र चोरों को चोरी की भैंस के साथ दबोचा, हथियार बरामद। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तटीय इलाकों में टकरा कर निकला चक्रवाती तूफान, जबरदस्त बारिश। तमिलनाडु डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी की चेतावनी, 27 नवंबर तक रहेगा असर। चेन्नई में निवार तूफान का असर, तेज हवा के साथ जबरदस्त बारिश। बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के बाद अब राहत का काम जारी, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की मोटी परत। हिमाचल के चंबा में गिर रही है बर्फ, पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ा।